नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और यहाँ पर दो क्वेश्चन बहुत ही कॉमन उठ रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम है उसका फॉर्म पोस्ट करना है या नहीं करना है, अगर करना है तो किस एड्रेस पे करना है, नोटिफिकेशन में कहाँ ये प्रेजेंट किया गया है कि ये जो फॉर्म है वो पोस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पोस्ट है वो जरूर करना है, ठीक है, नहीं तो आपका फॉर्म हाफ माना जाएगा, हाफ फिल्ड। और जो एड्रेस है वो मैं आपको अभी नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा कहां पर लिखा गया है। और उससे बाद एक और बात बता देता हूं कि जो आप प्रिंट आउट कराओगे उसमें आपने देखा होगा कि जो भी मतलब एक उसमें फोटो का ऑप्शन दिया गया है तो और एग्जाम में नहीं दिया जाता है, ठीक है, तो यहां पर आपको इसको पोस्ट जरूर करना है। तो आपको मैं यहां पे दिखा देता हूं कहां पर लिखा गया है नोटिफिकेशन में जिनको नहीं मिल रहा है। तो यहां देखिए, द कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे यहां से शुरू कीजिए, देखिए द कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट ओरिजिनल फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स ईटीसी विद द एप्लीकेशन फॉर्म विच हैज बीन सेंड टू बोर्ड ऑफिस इन फेवर ऑफ सेक्शन ऑफिसर रिक्रूटमेंट सेल एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ, इन्होंने हार्ड कॉपी नहीं वो किया है इसमें, तो कईयों को बहुत कंफ्यूजन हुई है। तो इसमें साफ दिया गया है कि आपको कोई भी ओरिजिनल या फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स, आपको अपने कोई भी सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी या ओरिजिनल भेजने की जरूरत नहीं है जो आप एप्लीकेशन बोर्ड ऑफिस को भेजोगे। किस फेवर में, यानी कि जो सेक्शन ऑफिसर, ये एड्रेस है इस पे भेजना है आपने, सेक्शन ऑफिसर रिक्रूटमेंट सेल एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। तो ये है वो नोटिफिकेशन में जो आपको नहीं मिल रहा था, ये एड्रेस है इस पे आप लोगों को भेजना है और जरूर पोस्ट करना है, तभी आपका एडमिट कार्ड इश्यू किया जाएगा। तो मुझे लगा था बहुत के आ रहे थे कमेंट इस बारे में, तो कईयों के मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, तो मैंने इस पे एक वीडियो बना दिया ताकि आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, थैंक यू सो मच।